हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ व्हिच इज गोइंग टू बी फेवर आउट हेनरी मोजले। बिफोर गोइंग टू द टॉपिक समराइज मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। 63 एलिमेंट आर नोन बाय द मेंडेलीव एंड दे कैन बी क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मेंडेलीव आर रिप्रेजेंटेड एंड देयर डिस्क्रिप्शन ऑल्सो बी गिवेन आउट। तो उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया उसके बाद उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया, बताया गया कि उन्होंने बोला था कि जो एलिमेंट एक ही पीरियड में प्रेजेंट है उन सबके क्या है पीरियोडिक फंक्शन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है। और उन्होंने उस एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को क्या किया, एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन के साथ में ही लिख दिया। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में सर हेनरी मोजले ने बताया कि जो एटॉमिक मास पे एलिमेंट प्रेजेंट है वो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं है। एटॉमिक मास पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो उनकी क्या है, यूनिक क्वालिटी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उनकी। और इस मेंडलीव के इस लॉ को क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया और फिर बताया गया, तो उसे ही हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, एडजस्टमेंट किया, क्लासिफाई किया, क्लासिफिकेशन किया और उसके बारे में बताया कि कैसे पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट की जाएगी। तो लेट्स बी डिस्कस इट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेनरी मोजले के एग्जिबिटेड दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट एटॉमिक मासेस। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वॉज ऑल्सो मॉडिफाइड बाय द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ and their element was adopted of the basis of modern periodic table। That means कि जो उन्होंने अपने टेबल में अपने क्लासिफिकेशन में जिस एलिमेंट को उन्होंने लेकर के क्लासीफाई करके जिस पोजिशन पे फिक्स किया था उनमें से कई एलिमेंट के जो प्लेसेस थे वो क्या कर दिए गए, रिप्लेस किए गए। उसे मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के हिसाब से क्या किया गया, एडजस्ट किया गया और क्लासीफाई किया गया और उसके बारे में बताया गया। आते हैं उसके बाद आता है मॉडर्न पेरियोडिक लॉ क्या है। तो यहां देख लीजिए कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द, उन्होंने भी यही सेम लॉ बताया हुआ था। किसने, मेंडलीव ने यही लॉ बताया हुआ था कि क्या है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, एलिमेंट की। तो इन्होंने भी वही बोला, बस इन्होंने बोला कि जो पीरियड में प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मास के आधार पर उन्होंने पीरियोडिक फंक्शन बोला। जबकि उन्होंने एटॉमिक मासेस और यहाँ पे एटॉमिक नंबर, इन्होंने बोला कि एटॉमिक नंबर के आधार पे ये क्या है उनके पीरियोडिक फंक्शंस हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, जबकि उन्होंने बोला था एटॉमिक मासेस के बेस पे। सेकंड थिंग, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 18 वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप। दैट मीन कि इस तरीके से वर्टिकल जो कॉलम है वो 18 है, 18 में यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो इन्हें हम बोलते हैं, ये जो वर्टिकल हमें दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं ग्रुप। तो ये टोटली कितने हैं, 18 ग्रुप हैं और 7 रोज हैं, 7 हॉरिजॉन्टल जो ये लाइंस हैं ये 7 हैं और वर्टिकल जितने भी कॉलम हैं वो कितने हैं, 18 हैं, ये 7 हैं, 4 5 6 7 इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और जो ग्रुप है वो 1 से लेकर के 18 तक है। सेकेंड, एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दैट मीन कि जो भी ग्रुप में एलिमेंट प्रेजेंट है उन सबके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वे क्या होंगे, सेम होंगे। यानी एक ही ग्रुप में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट है उनकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उस ग्रुप में प्रेजेंट सभी एलिमेंट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम होंगे। सेकेंड कंडीशन में फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखना चाहो तो ग्रुप नंबर 17 है, इसको हम बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। इसको तो सबसे पहला एलिमेंट है फ्लोरीन, फिर है क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन, फिर है आयोडीन, फिर है एटाटाइन, ये है ग्रुप नंबर 17। अब यहाँ इन सबको देखो भी तो इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे। 7 चाहे फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, फ्लोरीन 9 पे है यानी 2 और फिर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन 17 पे है यानी 2, 8 लास्ट ऑर्बिट में। फ्लोरीन का देखोगे एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 9 को आप
ऑक्टेट रूल के हिसाब से अलग करिए तो 2 और आउटर मोस्ट में 7। फिर उसके बाद क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। यानी ये देखो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट आ रही है 7 7 7, यानी ब्रोमीन में भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 और आयोडीन के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 और एट ए टाइम के भी जो रेडियो एक्टिव होता है ये भी क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो सब में 7 7 है। तो ये स्टेटमेंट इनका करेक्ट था कि जो ग्रुप में प्रेजेंट एलिमेंट है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी, उसमें देयर इज नो चेंज। नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ सेल्स यानी उस एलिमेंट के जो सेल्स होते हैं इंक्रीज, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन, अगला पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन ए सेल डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन सेल डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला, जो वहां पे एलिमेंट रखे गए हैं लिए गए हैं वे एक फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं। दैट मीन कि अगर ये यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इधर हीलियम प्रेजेंट है, यानी पहला जो हमारा ग्रुप है उसमें दो ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो दोनों एलिमेंट का जो फॉर्मूला है 2n2, यानी हाइड्रोजन का अगर देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में देखेंगे तो 2, यानी फर्स्ट हमारा जो पीरियड है उसमें दो ही एलिमेंट प्रेजेंट है पहले पीरियड में, तो उनका जो फॉर्मूला बन के आ रहा है 2n1, यानी एक इलेक्ट्रॉन। तो एट द फॉर्मूला 2n2 वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ द गिवन सेल्स, जो सेल है उसकी, दैट मीन की ये जो सेल्स की संख्या है वो कितनी होगी, 2 होगी। क्यों? क्योंकि इनका जो पीरियड है सेकेंड है, फर्स्ट पीरियड है इनका और फर्स्ट पीरियड में ये 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, पीरियड फर्स्ट है इनका और प्रेजेंट है 2 एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वो ऐसे मत मानना कि ऑर्बिटल थ्योरी आप इस्तेमाल करने लगो तो ऐसा नहीं करना, कि सेल सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है था इन के सेल, के सेल मैंने मानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 1 = 2, यानी इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम फर्स्ट पीरियड को देखें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2 इन द फर्स्ट पीरियड, यानी पहले पीरियड में जो एलिमेंट की संख्या है वो कितनी है, 2 है, जबकि आखिरी पीरियड में देखेंगे लास्ट की जो सेल होती है एल सेल उसमें जो एलिमेंट की संख्या है वो कितनी आ रही है, 8, यानी 2 × 2 n का स्क्वायर होता है, n क्या है यहाँ पे सेल है तो 2, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर करेंगे, दैट मीन की 8 एलिमेंट इन सेकेंड पीरियड, यानी दूसरे पीरियड में जो एलिमेंट का नंबर है वो कितने एलिमेंट आ रहे हैं, यानी इस फर्स्ट ग्रुप को छोड़ दें सेकेंड ग्रुप से, इस फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट मीन की एक पीरियड को छोड़ के सेकेंड पीरियड को हम देखेंगे, सेकेंड पीरियड में देखेंगे तो जो एलिमेंट हमारे आते हैं वो आते हैं 8। बस इतना सा समझना है कि हमारा जो सेकेंड पीरियड है उसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, 8। नीचे जैसे जैसे आप जाते जाओगे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की संख्या बढ़ती जाती है, जो फिफ्थ एंड सिक्स जो पीरियड है हमारा उसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है। अगला पॉइंट है द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अबाउट इट्स रिएक्टिविटी, द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट दैट मीन कि जिस पोजीशन पे एलिमेंट प्रेजेंट है वो उसकी रिएक्टिविटी को भी दर्शाता है, दैट मीन रिप्रेजेंट करता है कि वो कितना रिएक्टिव है, किस किस के साथ में रिएक्शन कर सकता है, किस किस के साथ में क्रिया रिएक्शन फॉलो करेगा केमिकल रिएक्शन, वो उसके स्टेबिलिटी और उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, जिस एटॉमिक नंबर पे वो कहां है प्रेजेंट है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन दिस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ।